मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका थर्ड पेपर कंपलसरी था एजुकेशन मैनेजमेंट के अंतर्गत। हम शिक्षक अभिभावक संघ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि शिक्षक अभिभावक संघ जो है क्या कार्य करता है, इसकी स्थापना क्यों की गई है और इसको किस उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है, वो हमने बहुत कुछ इसके बारे में अध्ययन कर रहा है। आज हम कर रहे हैं शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन, इसका जो कार्य है संचालन कर है वो किस आधार पर होता है। तो शिक्षकों का छात्रों के इनमें पहला आता है शिक्षकों शिक्षकों का छात्रों के घरों से संपर्क, मतलब अभिभावक और शिक्षक के बीच में संपर्क स्थापित होना चाहिए जिससे वो आपस में एक दूसरे को समझ सके। दूसरा है अभिभावक संचालन में इन्हीं कार्यों को जो है करना अनिवार्य है जिससे शिक्षक और अभिभावक आपस में जो है एक दूसरे को समझ सके, अपनी समस्याओं को बता सके, उसका समाधान कुछ निकाल सके। इसी उद्देश्य से जो है शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है। अब जो है हमारा टॉपिक है
अभिभावकों अभिभावकों के साथ सहानुभूति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न करना। दूसरा है शिक्षक शिक्षक अभिभावक शिक्षक अभिभावक संघ के प्रति प्रधानाध्यापक अध्यापक एवं शिक्षकों की उपेक्षा। तीसरा है सरकारी नियंत्रित सरकारी नियंत्रित विद्यालयों विद्यालयों में अभिभावकों अभिभावकों की नजर के भूमिका। चौथे है अभिभावकों अभिभावकों की अभिभावकों का अशिक्षित होना। पांचवां है परस्पर परस्पर विश्वास की कमी विश्वास की कमी और ये जो मुख्य कारण है जिसके कारण शिक्षक अभिभावक संघ जिस उद्देश्य को लेकर स्थापित किया था उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो रहा। पहला है अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार न होना चाहिए क्योंकि विद्यालय में सभी स्तर के बच्चे आते हैं। वहाँ पर जो है ऐसे बैकग्राउंड्स के बच्चे भी आते हैं जिनके घर पे पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं होता है। तो शिक्षक और अभिभावक शिक्षकों द्वारा जो है उनकी उपेक्षा किया जाना या उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं होने के कारण से वह शिक्षकों के समक्ष आने में जो है शर्म महसूस करते हैं, थोड़ी जो संकोच रहता है, जिसके कारण से वो आपस में दोनों मिलकर विचार विमर्श नहीं कर सकते या कि समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। तो उनका जो व्यवहार है आपस में जो है सहानुभूतिपूर्ण होना बहुत अनिवार्य है, तभी वो अपनी समस्याओं को एक दूसरे की समस्याओं को जान सकेंगे, समझ सकेंगे और उसका कोई समाधान निकाल सकेंगे। नेक्स्ट है शिक्षक अभिभावक संघ के प्रति
देते हैं। पेरेंट टीचिंग मीटिंग जब आयोजित की जाती है तो अभिभावक विद्यालय में उपस्थिति ही नहीं देते, इस कारण से भी है इसका जो उद्देश्य लेके चला है उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है। फोर्थ है अभिभावकों की का अशिक्षित होना, जो अभिभावक है पढ़े लिखे नहीं है तो उसको पढ़ाई का महत्व भी इतना मालूम नहीं है कि पढ़ाई के क्या मेरिट्स हैं, क्या लाभ हैं, तो उस बात को वो ध्यान ही नहीं देते हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, गृह कार्य कर रहे हैं, अनुशासन में है या नहीं है, इन सब बातों का उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका एक उद्देश्य है ग्रामीण मजदूरी करना, खेतों में काम करना, किसी भी प्रकार से अर्थ उपार्जन करना, पैसा कमाना। उनको पढ़ाई से कोई पैसे की कमाई अभी इस समय नहीं होगी, इसलिए वो पढ़ाई का महत्व भी नहीं जानते और बच्चे को पढ़ने के लिए भी मोटिवेट नहीं करते। और अगला है परस्पर विश्वास की कमी, दोनों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना न होने से भी किसी भी कार्य को संपादित नहीं किया जा सकता। कार्य में विश्वास होना बहुत अनिवार्य है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर विश्वास कायम होने पर ही है वो किसी काम को कर सकता है। अब है असफलता के कारण, असफलता के कारण कि शिक्षक अभिभावक संघ को कैसे सफल बनाया जाए, किस तरीके से कार्य किया जाए जिससे जिसके कारण वो स्थापित किया है उसको सफल हो सके। इसमें नंबर एक लिखिए, जानकारी दी जाए। तीसरा है अभिभावक द्वारा सुझाई
विभाग समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए एक अलग समिति बनाई जाए।
प्रत्येक सदस्य के साथ समांतर का व्यवहार किया जाए। गरीब वर्ग के